आइए महाराज, आपके लिए एक न्यूज़ है। क्या? यूपीएससी का कट ऑफ आ गया है। कितना? 98। पर तुम लोगों को किस बात की टेंशन, एससी एसटी का 83 है। जस्ट रिलैक्स। मतलब हम लोग सब ऐश कर रहे हैं और सारी परेशानियां तुम लोगों को ही है। हाँ? कितनी तकलीफ है ना तेरी जिंदगी में। मतलब एक तो तू लड़का, ऊपर से जनरल कैटेगरी का, कितनी परेशानी होती होगी ना। वो कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पर सच कहूँ, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड होता नहीं है। एक बात बता, तेरे हिसाब से संख्या क्या होगी ये एससी एसटी की? मैंने दे, मैं बताता हूँ। शेड्यूल कास्ट 16% और शेड्यूल ट्राइब की 8%, यानी कि 26 करोड़ कुल आबादी में से। समझ में आ रहा है कि 26 के 26 करोड़ सबको रिजर्वेशन चाहिए। ये बिल्कुल वैसा हो गया ना कि रमा दीदी के साथ जब वो रो रही थी, जब प्रमोशन मिला तभी भी रो रही थी। तूने उनसे पूछा कि क्यों रो रही हो, तो उन्होंने कहा था कि ऑफिस में सब कह रहे कि सीनियरिटी के हिसाब से तो मिलना नहीं चाहिए था, बस वो मन कार्ड खेल गई लड़की। बुरा लगा था ना? मतलब पोजीशन, प्रमोशन कुछ भी कमा लो, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन का ठप्पा लगा है ना। आजादी को 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी किसी अस्पताल जाते हो और उस डॉक्टर के सन्ने में देखता है कि वो शेड्यूल कास्ट वाला है, तो आज भी सोचने लगते हो ना, है ना? मतलब जानते भी नहीं कि उसमें काबिलियत है या नहीं, अच्छा है बुरा है, बस सरनेम शेड्यूल कास्ट वाला है तो हिचकिच। मतलब तुम लोग के लिए वो डॉक्टर अपने सिर पे, प्लीज ट्रस्ट मी, हिस्टिकल ला के वो मैं। साला कभी तो लगता है कुत्ते जैसी हालत है, वो जो घर का ना खाट का धोबी का कुत्ता। कितने दिग्गज निकले हमारी जाति से, ऋषि वाल्मीकि, बी आर आम्बेडकर जी, नरेंद्र यादव, अरविंद मालाकाटी, यहां तक कि सिनेमा में भी भगवान दादा, उमा देवी और जॉनी रिवर जी, ये सब शेड्यूल कास्ट थे। पता तो तुम्हें है? पर जरा सी कोई तकलीफ या कुछ हो जाए तो रिजर्वेशन। पता है गलती सिर्फ तुम्हारे अकेले की भी नहीं है, हमारी भी गलती है। मतलब रिजर्वेशन से आईएएस ऑफिसर बन चुके हो तो अपने बच्चों को तो जनरल कैटेगरी में पढ़ाओ, लेकिन नहीं, काबिल हो, है सारी सुविधाएं, कर सकते हो, लेकिन नहीं। और साला इन्हीं लोगों की वजह से कुछ छींटें हम जैसे मेहनती और काबिल लोगों पर भी उठती है। जो कानून ये असहाय है और अयोग्य लोगों को सशक्त बनाने के लिए बना था, उसे हमने ही गंदा कर दिया। किसी ने, अगर मैं पावर में आ गया ना, सबसे पहले रिजर्वेशन ही खत्म कर दूंगा। खेलना ही नहीं मुझे खेल, उनको दो जो गरीबी रेखा के नीचे है, हक क्या उनका? मुझ में काबिलियत है कि मैं कहीं से कहीं पहुंच सकता हूं, पर तुम लोग ये बात मानोगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो हमारा नाम खराब किया है। देख, दुनिया में जाके मैं एक एक को पकड़ कर नहीं समझा सकता, पर तू तो मेरा अपना है, मेरा दोस्त है, तू तो समझ सकता है। और यही सारे दोस्त समझ जाए
तो अपने आप ये जो रिजर्वेशन का ठप्पा हमारे सर पर लगा है ना, ये निकल जाएगा।